में है, पुलिस फिलहाल अभी पे जांच कर रही है, क्या कहेंगे, क्या मांगे आपको? ऐसा कि हम मान ही नहीं सकते कि उस आत्मदाह आपने की है, क्योंकि बहुत बहादुर और बहुत ही बहादुर लड़की थी कि अपने घर अपने परिवार को चलाने वाली एक वही एक ऐसी लड़की थी कि आज अपने बल पे मुंबई में एक फ्लैट भी उसने लिख लिया, एक गाड़ी भी ले लिया उसने, यही सब जलन था इंडस्ट्री में। और हम ये कहना चाहते हैं जो इंडस्ट्री आई थी यहाँ पे बनारस टीम लेकर, वो टीम कहाँ है और डायरेक्टर कहाँ है, वो कहाँ है, हम ये पूछना चाहते हैं। और उनको भी फंसाया जाए इस जाल में, सभी मिले हुए हैं। एक समर सिंह का नाम आ रहा है, समर सिंह तो है ही है, समर सिंह का तो नाम आ ही रहा है। हमारी दीदी भी हमसे बोली थी कि हमारी बेटी को टॉर्चर किया जाता था, उसका पैसा भी है उसके पास, पैसा जब भी मांगती थी तब वो ऐसे ऐसे बातें करता था, उसका भाई भी धमकाता था, सब यही बात है। हमको तो लगता है सब यही सब मिली भगत थे इंडस्ट्री की और कुछ नहीं करता। आज इस समय कोई नहीं दिखाई दे रहा है, आज आकांक्षा दुबे इतनी बड़ी हस्ती, आज कोई नहीं है उसके साथ, कोई भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं है, कोई देखने भी नहीं आया कि इसका लाश कहाँ पे है। बस यही कहना चाहते हैं, मगर उसको न्याय मिलना चाहिए, हम यही कहेंगे। आपकी अंतिम बात कब हुई थी, आपकी जो बात होती थी वो अंतिम बात? हमसे तो होली के पहले हुई थी बात, उसके बाद बात बीच में नहीं हुई, शूटिंग में खाली जब हम फोन लगाते फोन नहीं उठता था, तो उसके बाद दीदी से हमारी ढेर बातें होती थी, दीदी से बात। ऐसा लगा हो कि किसी प्रकार का कोई नहीं, परेशानी तकलीफ या इस तरह का? एकदम खुश मिजाज की लड़की थी, हमेशा खुश और दूसरे को भी खुश करती थी, कभी भी कुछ भी हमको चाहता था तो मामा क्या चाहिए, मामा आपको क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए चाहिए सब। जी क्या नाम है आपका? बाबा लाल जी। आपका आकांक्षा से क्या संबंध? हमारे नातिन है वो, हम नाना है उनको। बात अगर करें आकांक्षा का, जिस तरह से संदेहास्पद मौत हुआ है, क्या कहेंगे और क्या मांग? हमको तो देखिए शंका है, जो है जो धमकी उसकी मिलती थी वही चीज हमारा लोग का वो है। आपने क्या शंका है? वही जो पैसा का मांगती थी, हाँ पैसा का मामला, पैसा का। हाँ जब वो धमकी देता था उसका भाई और वो जो है, हाँ इसमें सीधे रूप से समर सिंह इन्वॉल्व है? हाँ समर सिंह सीधे रूप से इन्वॉल्व है, हाँ। इसमें कहा गया है कि समर सिंह क्या करा, तो क्या सीधे तौर पर इसमें इन्वॉल्व है वो? अब यही बात है जो है, जो वो लोग धमकी देते थे 3 साल से, जो है उसको धमकी दे रहे हैं, जब पैसा मांग रही है तो कहे कि आप लोगों को इस घटना की सूचना कैसे मिली? कहाँ, यहाँ हम विंध्याचल के रहने वाले हैं, वो चल गया, वो था हमें मोबाइल में चल गया, 1 बजे हम लोग 1:30 बजे सूचना पाए और तब वहाँ से हम लोग आए यहाँ से। तो कितने बजे बनारस पहुँचे? हम बनारस जो है वहाँ से समझ रहा हो 3 बजे वहाँ से घर से निकले हैं और यहाँ सारनाथ से यहाँ कितना, 8 BHU से यहाँ कितना समय, 9 बजे हम यहाँ। आप लोग की क्या मांग? मांग हमारी लोग की क्या है मांग, बस यही वो तो सरकार जानेगी जो है, जो होगा उसको उठा। जी क्या नाम है आपका? मेरा खुशी त्रिपाठी नाम है। आपका अगर बात करें तो आप रिश्ते में क्या लगते हैं? हम उनकी मासी लगते हैं, सगे मासी हैं दिमी। क्या कहेंगी जिस तरह से आकांक्षा का संदेहास्पद मौत हुआ? हम बस यही कहना चाहते हैं कि वो अपने से नहीं लगाई फांसी, क्योंकि वो 2 बजे रात अपना वीडियो डाली है अभी इंस्टाग्राम पे और फिर उसके बाद वो कैसे फांसी लगा सकती है? सुबह जब आ रहे हैं तो उसका फांसी लगाओ, बैठ के फांसी लगाएगी ये बताइए आप लोग? पलंग पे आराम से बैठी है, फांसी लगा ली, लगा के उसको ताला मार दिए बाहर से, बोले फांसी लगा ली है। और ये समर सिंह का भाई है, दोनों लोग हैं, ये समर सिंह का भाई है। समर सिंह पिक्चर में है, गायक है, वो भी गायकी है भोजपुरी का, और ये लोग रहने वाले प्रतापगढ़ के हैं। ये दोनों भाई मिलकर आकांक्षा को मारे, 5 करोड़ रुपए लिए हैं, जब वो मांग रही है तो उसको धमकी दे रहे थे कि मार डालेंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, बस इसको भी सजा मिलना चाहिए। एक और आ रहा है सामने कि टकटकपुर में लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है। ऐसा कोई बात नहीं, ये गलत बात हो रही है, समर सिंह खुद पीछे पड़ा, जो पैसा मांग रही थी वो गलत न्यूज उड़ाएगा ही, बाकी समर सिंह बहुत ज्यादा वो है कमीना। अंतिम बात आकांक्षा से करो। हम लोगों की बात आकांक्षा तो होती थी, क्योंकि मम्मी ज्यादा बात होती थी तो हमेशा शूटिंग पे ही रहती थी, तो इसलिए हम लोग से बात कमी होती थी, अपने मम्मी से बात करती थी हमेशा वो लोग, तो मम्मी के जरिए हम लोग से भी बात होती थी, कभी काल वीडियो कॉलिंग पे हम लोग आ जाते थे, तो इसलिए वो शूटिंग पे रहती, खाली ही नहीं रहती थी, तो बात कैसे हम लोग से करें? आकांक्षा से हम बात किए थे लगभग वही बाबू जब हुई थी तब बात वीडियो कॉलिंग, बोली मासी हम नवरात्र बाद आएंगे, श्रृंगार करवाएंगे माता रानी का और उसके भाई का लड़के का मुंडन भी है, तब समर सिंह के पास 5 करोड़ रुपए, हाँ जितना उसका पिक्चर का पैसा था सब वो ले लेता था उसको मिलाकर, जब वो मांगती थी तो उसको धमकी देता था कि हम ऐसे, तो ऐसा बताया आकांक्षा उसी के साथ रहती थी ना, जैसे अब हो जाता है लड़की है कोई भी लड़की रहेगी तो पैसा उससे मिला उला के ले लेता था, बोलता था 2 हम रख लेते हैं नहीं तुम खर्चा कर डालोगी, तो दे देती थी, बोलता था मुझे दे दो ये लेना है वो लेना है हम तुम्हें दे देंगे बाद में, तो भी दे देती थी। अब आप लोगों की क्या मांग है और बात अगर करें एफआईआर की, जो पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज हुआ है वो तो दोबारा कोई प्रार्थना पत्र देंगे? वो तो देंगे ही, अब बड़े सर आ जाएंगे, अब उनसे ही कुछ होगा, फिर उसके बाद आगे दीदी लोग कार्रवाई करेंगी, कैसी दीदी मेरी चुप नहीं बैठेंगी, वो फांसी पे उसको छा के रहेंगी समर सिंह को, समर सिंह के भाई को भी, क्योंकि वो सबके सामने चैलेंज दिया था,
आकांक्षा दुबे को, बोला था तुम्हें मार डालेंगे एक दिन हम। हाँ, वो चैलेंज हम किया कि हम मार डालेंगे, यहाँ तक कि मनोज तिवारी भी बोल रहे हैं कि उसको सजा, जो भी उसका मुजरिम है उसको सजा मिलना चाहिए। मुंबई में दी गई थी कि यहाँ पर? नहीं, मुंबई में ही दी गई थी उसको। जो पैसा मांगती थी, कोई भी बजाय से बात अपना पैसा मांगेगी। कितना दिन पहले ये धमकी मिली थी? उसको तो 3 साल से मिल रही है धमकी, ये सब 3 साल से लगातार टॉर्चर कर रहा है समर सिंह उसको। नहीं दोगी तो जी, नहीं दो, नहीं दीदी को बताती ही नहीं थी। बात ये है, जब मन्ने को दीदी को, भाई अपना धीरे, मम्मी मेरा पैसा लिया है, दे नहीं रहा, ऐसे वैसे परेशान हूँ बहुत। तो दीदी बोली चलो दे देगी, तो दीदी थोड़ी जान रही थी कि मार के लटका देगी किसी की लड़की को। वो भी तो आई शूटिंग में, उसका कल पवन सिंह के साथ खुद ही गाना रिलीज होने वाला था, इतनी खुशी थी, इंस्टाग्राम पे फोटो डाली थी, वीडियो डाली थी कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, पवन सिंह के साथ मेरा मूवी होने वाला है, फिर उसका कल शूटिंग भी था। तो कैसे लड़की फांसी लगा सकती है, आप लोग बताइए। जिस दोस्त का एक जिक्र किया जा रहा है कि रात को पार्टी में शामिल होने के बाद वो दोस्त छोड़ने